सामने दिखवा के अच्छा अब जो है फिर मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट मतलब भाई ना करेगा के हां हां भाई को मेरे भाई हल्दी लगा दे आप सुनो हां करू देख ले आजकल जब बुलाएंगे जब आएंगे चाय की बना रहे हो भैया यही बैठूंगी लहंगा नहीं देखना पड़ेगा बेबे का एक आधे ने तो बैठना पड़ेगा और इनकी देवटे बाबा थोड़ा हाथ हटा दो ओ मारियम देव न कन्या बल देव मिठाई का पूरा बैग के मां कोने का बस ये खेल के कमाऊंगे किसे का काम खत्म मिला सनो आर्यमा देव प्रतो मोहनचंतो मा पते स्वाहा डाल दो दोबारा फिर लो कन्या न्यायकारी प्रकाशवान भगवान की पूजा करती है वह न्यायकारी दिव्य स्वरूप परमात्मा हमें पितृ कुल से छुड़ावे परंतु पति कुल से अलग ना करें ये ऐसी आहुति डाली है और अब दूसरी आहुति ओम एम लाय अवता प्रभु ते लाजा पंतिका आयुष्मान तो मैं प्रतिदिन दंत दातायो मम स्वाहा इधर मंगनाए रंधन मम यज में खिलों को डालती हुई ये नारी कहती है मेरा पति नहीं लाइएगा नहीं लाइएगा ढंग मेरे को सिखाओगे क्या पंडित जी क्या हो गया क्या हो गया तू अंदर होने आए पीछे सॉरी कितने रह गए कहाँ गया वो योगेश सर देखे प्रियांशु वहाँ प्रियांशु योगेश बुला रही आ ना आगे आ गया वो भी बुला रही तने यहाँ से कितना भी शोर शराबा हो आपका नाम से पुकारे आपने सिर्फ अपने बंधन की तरफ ध्यान देना है सात संधि का बंधन बन जा रहे हो दो दो हृदयों का मेल है दो जिंदगी के बढ़ने वाले ठीक है विवाह का मतलब होता है दो हृदयों का मेल तो इसको जिंदगी भर निभाना पड़ता है बड़े ठंडे दिमाग से ये ध्यान रखना जब भी कोई काम करना है तो सिर्फ यहाँ मेरी आवाज सुनोगे क्योंकि काम मैं कर रहा हूँ किसी और की सुनने की जरूरत नहीं मैं कर लिया रिपीट करना नहीं करना वहाँ अलग अलग कर लिया उसकी सेवा करना ठीक है जी ये आपका परमो धर्म है ठीक है बेटा सुन लिया ना सुन रहे दोनों ने मिलकर यह पंडित के नामी किया कि हम दो दो दान कर रहे हैं लेकिन इसका किसी पीड़ित तमक्खु वाले को कुत्ते वाले को मत देखना ये दो दान है ये दो को ही जाना चाहिए ये ध्यान रखना है
लड़की करो नितिन थोड़ा सा कैसे करो एक साथ एक साथ लड़की के हाथ ले लो हल्दी ले लो लो लड़की के हल्दी पकड़ो बेटा सीधा आदत करो पैसे दो बस जतिन फेस पर आपने भैया फोन भी नहीं कर रहा फेस पर करो भैया लगाओ मैडम चलो सामने फोटो बनवा ले पागल से कुछ देख रहे हो बड़ी तो तो आप इनको ले जाओ रो मेरी तरफ से जो ना छूट है थोड़ी देर के लिए भी भाई आप इनसे कोई कढ़ाई मंजवानी है कोई बर्तन मंजवाने हैं या कोई और काम करवाना है ठीक है आप ले जा सकते हो लेकिन मुझे बीच में ये ना कहे कि जल्दी कर ले जल्दी का नाम बुराई का है समझ गए बस ये ध्यान रखना है आप लोगों से मेरी प्रार्थना है देखते रहिए टाइम लगेगा टाइम 3 बजे 3:15 बजे काम शुरू करूंगा बैठो मैं यहाँ दिक्कत आ रही बार बार ये खिला देंगे सारे एक खोल दो एक एक नहीं नहीं एक खोल दो बस सीधा हाथ जाएगा बेटा ज्यादा आगे कौन से नंबर जितने भी उधर आने वाले एक ही बार आ जाओ कैमरे वाला पीछे दर्शन ग्रहण करने के लिए इनको रतन जी को दिया और कहने लगे बोले कहना ये जो स्वच्छ आसन में लिए खड़ी हूँ इसको आप आसन में ग्रहण करें और इन्होंने कहा कि ओम प्रतिगिरणा में मैं ग्रहण करता हूँ अब आराम से दोनों बैठे हुए हैं तसली से काम होगा आत्मनियम 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 प्रति गृहताम ओम प्रति गृहताम सामने चिट्ठा लगाओ दक्षिण की सामने इशारा कर रहा हूँ मैं मेरी तरफ इशारा कर रहा हूँ उनकी साइड पर क्यों इशारा कर रहा हूँ उधर 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 हाँ ओम अर्घो अर्घो अर्घ प्रति गृहताम ओम ओम प्रति अच्छा बोले तेने डांट पड़ेगी ओम आजमनियम
आसमनियम आसमनियम प्रति गृहताम ओम हाँ ये अपना दिंदा दिखा अपना क्या लग रही है जतिन प्यास लग रही है अच्छा दो डिस्पोजल क्या रखना सब ये नहीं बड़े हाँ कोई नहीं ये सही है ये भी सही है सही है चल जा काम मेरे को दे दो आप फिर भूल जाओगे मेरे को दे दो दो दे दो इन नंबर का शरबत बना के लाऊंगा बाहर से भी इतना लीजिए और काम अब ईश्वर प्रार्थना प्रार्थना मंत्र फिर जो है आप पूजा के मंत्र बोलेंगे मामा खड़ा हो ये तेरे खड़ा मामा होगा स्वस्ति न घोषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षरयो अरिष्ठ नेमि स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतो न बृहस्पतिर्दधातु ओम जलम समर्पयामि हाँ बोझ जाओ पीछे पीछे जाओ विघ्न हरण मंगल करण गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको तुम्हारे पूर्ण कीजे का ईश्वर प्रार्थना मंत्र इष्ट देवता का नाम याद करते हुए और जो है ध्यान ये रखना बेटा और आज से हम दोनों इस गृहस्थ आश्रम में पैर रखने जा रहे हैं इसको पूर्ण रूप से आपका जो है सहयोग दे परमपिता परमात्मा की ओर से आपको सुख शांति रहे किसी प्रकार का आपको त्रुटि ना आने पावे तो इस प्रकार से आपको ध्यान मगन लगाना है आपने यहीं की कहीं नहीं उड़ना है नहीं कि शरीर यहाँ बैठा रहे दिमाग कहीं जा रहा हो आपका काम है शांति पूर्वक रहना इष्ट देवता का नाम लेंगे ओम विश्वानि देव सर्वतर दूरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव हे सकल सुखदाता परमेश्वर कृपया करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्वसन और दुखों को दूर कर दीजिए जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए ओम हिरण्यगर्भ समव्रतताग्रे भूत सजात पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी दामुते मम कस्मै देव यह विशा विधेमः ओम
आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते शशिसं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यो कस्मै देवा यः विषादिदेवा ओम आत्मदा बलदा बोले उल्ट सिद्ध करी अब दोनों पे हाथ रख देना वो यहाँ देखना इस वाले पे देखना एक बार बढ़िया ओके नेक्स्ट ना ना रोड रोड का कोई काम नहीं है बेटा लाओ जी लाओ चल छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे करो ब्लॉग बनना है चल तू पर ब्लॉग नाम की चौक होकर जा रही है ना यूट्यूब पर आ जा दो दिन बाद में आओगे तेरे सारे हरे पाओगे चिंता ना करें ठीक है हाँ तुम्हारे नाम की चौक हो रही है ए सुमन है सुमन नहीं बहन छोड़े आना जाना नहीं लगा रहा वैसे वैसे बुलवाओ रोना नहीं है बेटा भाई थारा बढ़िया काम है पहले तो मेकअप वाली के पास लिस्ट लिकाड़ लिकाड़ के सिलेक्ट कर करके लिकाड़ेंगे उससे मेकअप करवाना उससे करवाना अब फिर सारा बात है एक मिनट में हैं वही तो पापा खड़ा है उपासी उपा ओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भूपा आ रहे उधर से इधर दबा दो उधर साइड में बस बस राहुल जा रही है बाहर
अरे नहीं निकलेगी पीछे से। बस भाई यही छोड़ दो भाई। शाम को वापस आ समझा बेटा समझा समझा आज चलो दीपाने नेहा इसका परसुरस जो है ए बस नेहा भाभी इसका परस वगैरह जो है पालो से मार के देना इसको भाभी चले नेहा जी नेहा बस बेटा बस मैं तेरे से दूर ना हूँ पास में हूँ तेरे जम भी कर आ जाए मिलने ठीक है चुप 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 मौसा जी चलो है बहुत है मेरा फिर आगे का थोड़ा काम देखना अपना।